हेलो फ्रेंड्स, माएस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं मच्छिंद्र बलारिया और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाथ में या पाम जब हम रीड करते हैं उसमें जो एक्स का निशान बनता है, जो क्रॉस का मिस्टिक साइन बनता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आपको मैं हर एक चीज़ क्लियर करूँगा बिल्कुल बारीकी से, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको वीडियो में पूरे 10 मिनट्स तक आपको स्टे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉस के निशान से। देखिए, समुद्र शास्त्र अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है। बेसिकली इसीलिए इसका नाम समुद्र शास्त्र है क्योंकि इसको समझ पाना, जितना तुम इसमें एंटर करोगे, घुसोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें ये डीप मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी वीडियो बनती हैं कि एक्स के निशान के ऊपर, कि लोग बोलते हैं करोड़ों रुपया मल्टी मिलियनर या बिलियनर बनोगे। आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि इस निशान की क्या अहमियत है और इसके क्या रिजल्ट रहते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स का निशान जो है हाथ में हर कहीं बने तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो प्लेस है वो सिर्फ इसके लिए, दो प्लेस पे ये इसको अच्छा माना जाता है। नंबर वन, माउंट ऑफ जुपिटर। ठीक है, ये वाला माउंट जो है ये जुपिटर का होता है, तो इसको बोलते हैं माउंट ऑफ जुपिटर। यहाँ पे अगर आपको एक्स का निशान ऐसा मिस्टिक साइन बन रहा है तो ये आपको बहुत अच्छा होगा। नंबर टू, इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो होती है ये जो आपकी माइंड लाइन है और ये जो हेड लाइन है इसके बीच में, वो भी शनि पर्वत के आसपास, मतलब शनि पर्वत के या तो सामने या शनि पर्वत से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर अगर इसकी प्लेसमेंट है तभी ये निशान जो है अच्छा माना जाएगा। अब होता क्या है कि इसके जो चारों कॉर्नर है एक्स के निशान के, ये चारों के चारों दो जो हैं हेडलाइन को और दो माइंड लाइन को टच करने चाहिए, तब इसको हम पूर्ण जो है वो कंप्लीट मिस्टिक साइन उसको हम बोलेंगे। तो ये क्लैरिटी हो गई कि कहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है, कहाँ होने पे ये अच्छे माने जाते हैं। देखिए, कहते हैं कि अलेक्जेंडर जो थे उनके हाथ में और अब्राहम लिंकन के हाथ में, दोनों के हाथ में ये एक्स का निशान था। इस ठीक है, अब होता क्या है कि अगर सिर्फ इस निशान के होने से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती तो अब्राहम लिंकन, जिन लोगों को अब्राहम लिंकन के बारे में पता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारे के सारे इलेक्शन हारे थे और 55 साल की एज में जाकर के उन्होंने इलेक्शन जीता था। ठीक है, तो जब भी ये निशान आपको जुपिटर, माउंट ऑफ जुपिटर पर मिलेगा तो अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी देगा और मतलब उसमें रिजल्ट शीघ्रता मिलेगी रिजल्ट आने में। लेकिन जब भी ये निशान माउंट ऑफ सैटर्न के सामने या उसके नीचे होगा, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट तो देता है ये, लेकिन वहाँ पे ये क्या करता है, ये निशान आदमी से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है। अब देखिए इसके रिजल्ट क्या होते हैं, पहले रिजल्ट समझा लेते हैं। देखिए, इसके रिजल्ट होते हैं कि व्यक्ति जो होता है उसकी सिक्स्थ सेंस ऐसे लोगों की बहुत ज़बरदस्त होती है, ऐसे लोग जो हैं उनकी एनालिटिकल स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है, इन लोगों में इंट्यूशन बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन होती है, आने वाले मतलब क्या बुरा होने वाला है क्या अच्छा होने वाला है, इसकी इंट्यूशन इनको बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के लिए प्रोविज़न कर लेते हैं पहले। अकाउंटिंग जिन लोगों ने पढ़ा है, अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट की, मेक प्रोविजन फॉर द फ्यूचर लॉसेस, इग्नोर द फ्यूचर प्रॉफिट, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आपको लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आप इग्नोर करके रख दीजिए। ठीक है, तो इस बेस पे ये निशान सेम इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो क्या करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो उसके 10 परिणाम बुरे पहले सोच लेते हैं कि वर्स्ट अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। ये नहीं है कि नेगेटिव चीजें ले लेते हैं, नो, ये लोग पहले प्रोविजन माइंडसेट बना के चलते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर इतना मेरा नुकसान हो गया या इस तरह का मेरे को लॉस हो गया या इस ये काम करने से मेरे को कितना तक नुकसान हो सकता है उसको ये पहले ही एनालाइज कर लेते हैं। ऐसे लोगों में भगवान की एक विशेष कृपा होती है। ठीक है, भगवान से ये ऐसे लोग जुड़े होते हैं, ज्यादातर लोगों में आप देखोगे ऐसे लोग जो है भगवान को मानने वाले होते हैं, ऐसे लोग भगवान पे उनकी आस्था होती है, धर्म वगैरह में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जब भी ये साइन सैटर्न पर्वत के, माउंट ऑफ सैटर्न के सामने या उससे नीचे बनता है तो ऐसे लोग जो हैं ऑकल्ट साइंस या ये जो गूढ़ विद्याएं होती हैं उन इसमें इन लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है। जितने भी हाथों में आप देखेंगे, जो लोग मुझे कमेंट करेंगे, देखना वीडियो के इसमें कमेंट सेक्शन में, उनमें से ज़्यादातर लोगों का जिसका भी एक्स का निशान होगा उनकी एक तो भगवान पर आस्था होगी और ये एस्ट्रोलॉजी हो गया,
या फिर आपका टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं वो हो गए, या कह लीजिए इनका मतलब इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मंत्र तंत्र, इन चीज़ों में ये लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और डीप तक जाते हैं। जिन लोगों में दिल के बहुत साफ होते हैं ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करना पसंद करते हैं, मतलब दूसरों की भलाई। देखिए कभी भी क्या है, कोई भी पामिस्ट्री में, मैं नहीं कहता कि तुम सिर्फ मेरी वीडियो देखो या किसी की भी देखो, बट लॉजिक देखो कहाँ पे है, और कुछ लॉजिक अपने आप से क्रिएट करना सीखिए। देखिए शनि क्या है, सर्विसेज हैं, शनि क्या है, सेवाएँ हैं, शनि क्या है, हार्डवर्क करवाता है। तो इसीलिए अगर ये माउंट ऑफ सैटर्न के सामने बनता है तो उस आदमी में शनि के जो गुण हैं, शनि के जो तत्व हैं, उस आदमी में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, शनि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है। ऐसा निशान जिस किसी के भी हाथ में होगा, अगर मैं कहता हूँ बाकी पर्वत माउंट वगैरह इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, तो उस आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से हर कुछ जो है वो अपनी मेहनत से अर्जित करेगा, जो भी कमाएगा वो अपनी मेहनत से कमाएगा। एक और चीज़ जो आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी वो ये है कि जब ये जो मिस्टिक साइन होता है ये लेफ्ट हैंड में होता है आपके, तो इसका मतलब कि आप पुनर्जन्म से कुछ ऐसे कर्म लेके आए हो, आप एक विशेष मकसद के लिए पैदा हुए हो, आपका जन्म जो है एक किसी खास चीज के लिए हुआ है अगर आपके लेफ्ट हैंड में है, क्योंकि ये पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाता है। और अगर ये आपके राइट हैंड में है तो ये दर्शाता है कि आप लेफ्ट में है। पहले देखिए तीन तरह की सिचुएशन बनती है, नंबर एक लेफ्ट में है, राइट में नहीं, तो मैंने लेफ्ट का बता दिया आपको। अब राइट में है लेकिन लेफ्ट में नहीं, राइट में अगर ऐसा निशान है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पिछले के जन्मों से कुछ पुण्य कमाकर नहीं लाए थे, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा आप इस दुनिया में इसमें कुछ ऐसा करके जाने वाले हो जिसके लिए लोग आपको याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके दोनों हाथों में है, दोनों हाथों में है तो इसका मतलब यह है कि आप पिछले जन्मों से कुछ ऐसा कमा के लाए थे और इस जन्म में उसी पुण्य को आप कंटिन्यू करोगे और उसकी वजह से कुछ अपने आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओगे, लोगों के लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट कर जाओगे कि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखेंगे। जिनके लेफ्ट में होता है केवल, इसका मतलब वो कमा के तो लाए हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ये इस तरह की संभावनाएँ बनती हैं। शनि पर्वत के आसपास या शनि पर्वत के नीचे, जैसे कि मैंने बोला, जब ये बनता है तो आदमी को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अपनी लाइफ में करना पड़ता है, उसकी इतनी परीक्षा ली जाती है। बस इसका एक ही ध्यान रखना कि जब आपकी, समझिए, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आप हारिएगा नहीं, क्योंकि जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर हार के बाद जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी वो भाई साहब रोके नहीं रुकेगी किसी के, वो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। हो सकता है आपको 40 साल में मिले, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं, 35 साल में मिले, उसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपके किस ग्रह की दशा स्ट्रांग है और किस ग्रह की अच्छी आने वाली है। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके हाथ में भी ये निशान है और बिल्कुल शनि पर्वत के इस सामने है या उससे थोड़ा सा नीचे है, तो आपको एक दिन अनलिमिटेड सक्सेस आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है कि आपको भगवान पे ट्रस्ट करना है, उसके सब कुछ, अपना सब कुछ भगवान पे सौंप देना है, आपको निष्काम कर्म करना है। बेसिकली बिल्कुल आपको निष्काम कर्म करना है, आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है क्योंकि भगवान आपको खुद देगा। ऐसे लोगों में भगवान की विशेष कृपा होती है, बस वो क्या होता है कि भगवान को भूल जाते हैं। अपना विश्वास नहीं डगमगाना है, भगवान पर आपने विश्वास रखना है, और कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो चैरिटी से रिलेटेड हो। जितना आप दान, दूसरे की सपोर्ट, ऐसी चीज़ें करोगे उतनी आपको ये जो साइन है उसका ये फलीभूत होगा और उतने अच्छे आपको ये रिजल्ट देगा। जिन लोगों के हाथ में ये साइन होता है उनकी दो ऐसी क्वालिटीज़ मैं और बताने वाला हूँ आपको, जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों के भी हाथ में ऐसा निशान होता है, ऐसे लोग किसी भी ऐसे आदमी का साथ नहीं देते जो गलत काम करता है या झूठ बोलता है या चीटिंग करता है। ऐसे लोगों के साथ उन लोगों की बिल्कुल भी दोस्ती नहीं होती, ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। अब फिर मैं वही बात बोलता हूँ, लॉजिक लगाना सीखिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। शनि पर्वत के सामने जब ये निशान बनता है तो शनि के गुण आने की वजह से ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाता है। वो अपनी लाइफ को बड़े ही बैलेंस तरीके से जीना पसंद करता है तथा उसको बैलेंस्ड लोग ही अच्छे लगते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले और झूठ बोलने वाले, झूठे वादे करने वाले, लोगों का मतलब पैसे पे नजर रखने वाले, या इस तरह के जो भी लोग गलत तरह के काम करते हैं, ऐसे लोग उनसे बिल्कुल भी दोस्ती क्यों नहीं करते, चाहे उनके घर का आदमी ना हो। सबसे बड़ी बात इन लोगों की यह होती है कि ऐसे लोगों को ये पसंद भी नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के
साथ अक्सर क्या होता है कि इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज के ज़माने में हर व्यक्ति थोड़ा ना थोड़ा मतलब धोखाधड़ी या चीटिंग करने का उसका थोड़ा सा हो जाता है उससे, या अपनी बातों से मतलब अपने स्वार्थ के लिए सेल्फिश थोड़ा सा आदमी आज की डेट में हो जाता है। लेकिन इन लोगों की ये खासियत होती है, ये बिल्कुल भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा कई बार खराब देखे गए हैं। तो कुल नटसेल ऑफ द स्टोरी क्या है? नटसेल स्टोरी ऑफ द स्टोरी ये है कि जिनके भी हाथ में ये एक्स का साइन है, उन लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज़बरदस्त होती है, उन लोगों की एनालिटिकल स्किल बहुत ही ज़बरदस्त होती है, उन लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है। ये ऐसे लोगों को चाहिए कि मेडिटेशन जरूर करें। अगर ये निशान जिनके हाथों में फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, भगवान पर विश्वास करिए, क्योंकि न्याय का देवता है शनि, वो एक दिन आपको रिजल्ट जरूर देगा। उसके घर में देरी है, लेकिन आपको सब्र रखनी है, आपको पेशेंस रखना है, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। द ओनली एंड वन थिंग इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर टारगेट। अपने टारगेट पे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उस चीज पे आपको ध्यान रखना है, आपको लगातार काम करते जाना है, आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको सिर्फ कर्म करना है, और उस कर्म का एक ना एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यही था एक्स के निशान को लेकर मेरा जो विश्लेषण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और किसी के हाथ में अगर ये है, ये आपका अपना सेंटर है, ज्योतिष रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे रिसर्च करता रहता हूँ मैं, तो अगर किसी के हाथ में ऐसे है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है या बहुत ज़्यादा जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो आप प्लीज़ भेजिए, तो हम अपनी रिसर्च में उसको यूज़ करेंगे। धन्यवाद।